हेलो स्टूडेंट, एक मैथ क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इसमें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, -30। रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो बी अपॉन ए होगा। जैसे ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, बी से बी कटता है, ए से ए कट जाता है, इक्वल बनाता है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करने से उसका, जैसे -13 है, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-k13। रेसिप्रोकल या इनवर्स एक ही बात होती, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, -13/19। सॉल्यूशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13/19 का 19/-k13। नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/5, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब तो आप समझ चुके होंगे, 5/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नंबर होता है ये नंबर ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, यानी उसी नंबर्स का, उसी रेशनल नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करने पर बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, 1/5 का हम रेसिप्रोकल करें तो 5/1 आता है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई बनाता है। तो उसी नंबर का रेसिप्रोकल करने से, मल्टीप्लाई करने से बनाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही चीज़ है, जैसे 1/5 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 5/1 होता है। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 5-5/8 इंटू -k3/7। इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे हम, -5/8 इंटू -k3/7। तो ऊपर नोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का पहले मल्टीप्लाई कर लो। -5 का -3 में करेंगे तो 5 × 3 = 15, -– प्लस होता है, प्लस को राइट नहीं करते। यहाँ पे 8 × 7 = 56, ये तो पहले ही प्लस का है, 56 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 15/56 का 56 ऊपर आएंगे और 15 कहाँ आएंगे, नीचे। 56 डेनोमिनेटर में है, वो नोमिनेटर में आ जाएंगे, और ये नोमिनेटर में, वो डेनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, -1 × -k2/5। सॉल्यूशन करते हैं इसका, -1 × -k2/5। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। -1 का -2 में करेंगे तो -2 का -1 में करने से 2 × 2, -– प्लस हो जाता है, प्लस को राइट नहीं करते, / 5। अब इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।